अरे आज कहाँ जा रहे हो? कहाँ क्या बाजी, काम पे जा रही हूँ। क्या, अब शेख जी भी काम पर जाने लग गए? चलो ये तो अच्छी बात है। क्या खाक अच्छा है बाजी, जो भी काम करूँ पीछे पीछे लगे रहे। इस आदमी को 50 बार समझा लिया मैंने भी, लेकिन समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, शेख जी है तो तुम्हारे ही आदमी, इसमें क्या गलत बात है? बाजी गलत नहीं है ये मैं भी मानती हूँ, लेकिन ये कुछ काम नहीं करते, मेरे पीछे पीछे रहते। कल मालिक भी कहने लगा तुम्हारे बस के काम नहीं है, छुट्टी कर लो। अरे शेख जी, क्या रुखसाना सही कह रही है? Oh, no. शेख जी तो कुछ बोल नहीं रहे। चलो छोड़ो, बहुत प्यार करते हैं शेख जी तुमसे। मगर बाजी तुम कहाँ जा रही हो? अरे मैं तो हनी के पापा को देखने जा रही हूँ, पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। चलो बाजी मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ठीक है जाओ। कर लो जितना भी तुम्हें ड्रामा करना है ना कर लो, मैं कहीं जाती नहीं, जा रही हूँ मैं तो घर। ये क्या पागलपन है, आदमी तो हमने बहुत देखे लेकिन तुम्हारे जैसे नहीं देखा। जो औरतों के पीछे पीछे रहे, मैं क्या कहीं भाग रही थी? बेफिकर रहो, मैं नहीं भागने वाली तुम्हें छोड़ के। ज्यादा बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, साले का वक्कल तार दूंगा, रोटी ला दे। लाती हूँ अभी। अकड़ रही है साले। या अल्लाह ये आदमी तो बिल्कुल पागल हो गया है, ना कुछ करने का ना खाने का, रोटी दे के पड़ोसन से सलाह लेके आऊंगी। अब यहाँ भी आ गए, मैं रोटी ला तो रही थी। रुखसाना तो तू क्या बड़बड़ा रही थी? मैं कुछ नहीं बड़बड़ा रही, मैं तो अपने कर्मों को रो रही थी। या अल्लाह अब क्या करूं? चलो रोटी खाओ, चलो आगे आगे। 24 घंटे पीछे 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 पीछे, पता नहीं मिलता क्या है। बैठो ये लो खाना। बैठ तू भी, तू भी खा मेरे साथ रुखसाना। Oh, no. मैं क्या सोचती रहती है, मैं तू भी खा ले मेरे साथ। ये खा, हाँ कुछ खा। हाँ हाँ खाती हूँ, पहले मैं पानी ले आऊँ। ना रुखसाना तू रोटी खा, पानी मैं लाता हूँ। शेख जी आप कितने पागल हो, जब खाना मैं लाई हूँ तो पानी भी मुझे लाना चाहिए ना। मैं पानी मैं ले आऊंगा, मुझे सेवा कर लेंगे। नहीं शेख जी, आखिर मैं आपकी बेगम हूँ, खिदमत तो मैं ही करती अच्छी लगूंगी ना। वे ये बात है। हाँ जान है साली जान है। लेके आती हूँ मैं पानी। लिया। बाजी से कुछ सलाह ले आती हूँ, ऐसे तो ये मुझे यूँ जाने नहीं देंगे। इतने ये खाना खाएं, इतने बाजी से सलाह ले आती हूँ, ये सही रहेगा। ये लो पानी। रुखसाना कहाँ जा रही है मुझे अकेला छोड़ के? बाजी बाजी गेट खोलो बाजी। हाँ कौन है? दरवाजा खुला है, आ जाओ अंदर। बाजी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे रुखसाना तुम आज दोनों साथ साथ, क्या बात है? दोनों कौन दोनों बाजी? शेख जी तुम्हारे पीछे खड़े हैं। शेख जी तुम पे आराम से बैठ के घर में रोटी भी नहीं खाई गई जो यहाँ लेके आ गए मेरे साथ। तुम्हें पता है अल्लाह मियाँ को ये बात बहुत बुरी लगती है। हाँ शेख जी खाना तो आपको घर पे ही खाना चाहिए। तो क्या हुआ भाभी, आपका भी तो घर है, मैं तो यहाँ बैठ के खा लूंगा। तुम दोनों बातें करो, मुझे खाने के साथ साथ पानी भी तो चाहिए। ठीक है ये घर भी तो आपका ही है, आओ
खाना खा लो बैठ के। बाजी मुझे तो आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, पर कोई बात नहीं है, फिर आऊंगी कभी। ठीक है। अजीब आदमी है। अरे क्या बात है, आज तो खाना भी चलते फिरते गलियों में खाया जा रहा है। वो बात नहीं है भाईजान, ये तो जमीला बाजी का यहाँ बैठे थे, उनके घर से बुला के लाई हुई ने। मगर है बड़ी बदतमीज साली, अपने घर बैठ के खाने नहीं खाने दिया। क्या मेरी घरवाली को बदतमीज बता रहा, गाली दे रहा, मेरी बेइज्जत कर रहा? पर एक बात है भाईजान, तुम दोनों का प्यार अलग ही है। क्या खाक प्यार है? रुक्साना कुछ बोली मुझसे? हाँ बोली, बड़ा अच्छा कर रहे हो ना, अपने खानदान का नाम रोशन कर रहे हो। पता है खानदान की क्या बात है, मैं तेरे साथ रहता हूँ, कुछ बुरा हो गया? चलो अब घर चलो, पता नहीं मैंने भी कौन से अच्छे कर्म किए थे जो अल्लाह ताला ने तुम जैसा नमूना मेरे पल्ले बांध दिया। आओ। अकड़ रही है क्या? जमीला भी बड़ी बदतमीज हो गई है, किसी को घर बिठा के खाना भी नहीं खिला सकती, आज इसे ही देखता हूँ। अरे जब तूने शेख चिल्ली को खाना दिया तो उसे बिठा के खिला नहीं सकती थी, बेइज्जती कराई गई हमारी, पूरे गांव में क्या कहता फिरेगा वो। ज्यादा बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, समझे? अच्छा तो मैं बड़बड़ा रहा हूँ? हाँ बड़बड़ा रहे हो। मैं बड़बड़ा रहा हूँ? मैं फालतू बोल रहा हूँ? हाँ फालतू बोल रहे हो। तो तू बड़बड़ाएगी, तू फालतू बोलेगी? हाँ बोलूंगी। ये क्या पागलपन है शेख जी, तुम्हारी अम्मी ने कुछ सिखाया या नहीं? या वो अभी ऐसे ही तुम्हारे अब्बू के पीछे पीछे फिरती थी? रुक्साना मुझे तो कुछ भी कह ले, पागल, निकम्मा, बदचलन, आवारा, लेकिन मेरी अम्मी को, मेरे अब्बू को कुछ कहा ना साली का बक्कल तार दूंगा। जब दिल दुखता है ना तो कहना ही पड़ता है। तेरा दिल दुख रहा? हाँ। हमारे यहाँ दिल दुख रहा तेरा? हाँ दुख रहा। अभी देख तेरा क्या क्या दुखाता हूँ साली। दुखाओ क्या दुखाओगे? हाँ बोलूंगी। ज्यादा इज्जतदार बने फिरते हो ना, उससे पहले पूछ तो लेते क्या बात हुई, तुम्हारी अकल में भूसा भरा हुआ है क्या? मतलब हम तुझे बतला रहे हैं तो हमारी अकल में भूसा भरा है? भूसा ना है तो अपने माँ बाप की तरह पागल हो तुम, पागल। अच्छा तो तू हमें पागल बतलाएगी, देखा है वो लट? दिखाओ लट, मैं लट से डरने वाले नहीं हूँ, और हाँ मुझसे फालतू मत बोल जाइयो। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगी, खुराक लेवेगी? तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो तो दे दो खुराक, और एक बात सुन लो, अगर मैं अपने पीहर चली गई ना तो आने वाली नहीं हूँ। ठीक है, हमें भी जरूरत ना है लाने की, अभी लट लाता हूँ उठा के। शेख जी अगर ये डंडा मेरे हाथ में आ गया ना तो तुम्हें पूरे को दुखा दूंगी। अच्छा तो तू मेरा मारेगी भी? हाँ। मैं करवाता हूँ, हाथ ठुकाऊंगा शेख के लिए, हाथ ठुकाऊंगा। ले ले फिर साथ मत करनी सब। ले 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 यानी यानी मर्दों की इज्जत करेगी है, मर्दों पे हाथ खाएगी, हाथ खाएगी सारी, यही शिकायत तेरी मम्मी ने, यही शिकायत तेरा पूरे साले, जान दबा दूंगा, जान दबा दूंगा। नहीं हो सकता।
बदनामी करवाएगी। रोटी बैठा के नहीं खिला सकती थी उसे, और बदतमीजी कर रही है मेरे साथ। हमारे वाले नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। जा निकल जा, वरना तेरे घर तक मारूंगा, मेरी इज्जत नहीं छोड़ेगी। एक आदमी को घर में बिठा के खाना नहीं खिला सकती। जा जा निकल जा। जा रही हूँ। निकल जा, नहीं तो तेरे घर तक मारूंगा। मेरे पीछे मत आ जाना बिल्कुल भी। हाँ नहीं आऊंगा। जा जा रही हूँ। जा रही है, मैं भी जा रहा हूँ। साली सलाह दिलवा दूंगा अभी। हैं? हम देंगे, हम लेंगे सलाह साली, हम देंगे सलाह देवे। ये आदमी ऐसे मानने वाला नहीं है, अब तो बाजी की सलाह लेनी पड़ेगी। जब कुछ भी हो जाए, कितना भी मारे पीटे, पर सलाह लेके रहूंगी। शेख चिल्ली, अगर मैंने भी तुझे तेरी बीवी से ना पिटवाया ना, तो मेरा नाम भी जमीला नहीं जमीला। बदला लूंगे बदला। ले आऊंगा मैं रुखसाना से पहले ले आऊंगा साला। उबे भाभी तो यही आ रही है, जमीला भाभी तो यही साला ले लेता हूँ, ये सही रहेगा। है? बदला क्या है, ये तो खड़ा है तो मोटा लट लेकर। भाग जाती हूँ, कैसे बचूं? हाँ भाग जाती हूँ। अब भाभी रुको ना साई, अब भाभी रुको रुको, अब भाभी सुनो साई, अब भाभी तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। भाभी खेत में छुप जाती हूँ। भाभी थोड़ी सी, भाभी थोड़ी मेरी बात सुन, मैं मुझे तो कुछ लेना था तुमसे। भाभी रुक जाओ, रुक जा कम बगल, रुक जा, घोड़ी की तरह भाग रही है, घोड़ी की तरह भाग रही है। चला घोड़ी में फेल कर दी कम बगल, ये तो आ रहा है, मुझे थका दिया। भाई मैं कहां पड़ी सारी किस तरह खा जाएगा तुझे। भाभी मुझे तो सलाह ले रही थी, ढूंढता पड़ा आ रहा क्या, देखो ले के जाऊंगा जाती हूं। भाई तो लट लेके भाई, भाभी रुक जा भाई, रुक जा कम बगल, रुक जा रुकर। अब मुझे थका लिया, मेरे भी पंप भरवा दिया भर भर के। ये तो बहुत बदतमीज है, पीछे ही पड़ गया कम बगल, डंडा ले भाभी, मुझे मार के छोड़ दे। भाभी मैं तेज जा रही चढ़ गए, यहाँ पे छुप जा तू, इस घर के पीछे गाँव वाले मुझे पेल दिया। रुकसाने के घर चली जाती हूँ, वो होगी घर पे, मैं गाँव में नहीं जाऊँ, मुझे पेल देंगे लोग। अंतर हो गई, इधर चली गई थी क्या गली में, उधर नहीं जाने वाला मैं। चल सलाह ना देगी जान दे, कुंडी लगा देती हूँ। कहाँ है रुखसाना, देख लेती हूँ। क्या बात हो गई बाजी, कैसे पसीनो पसीनो हो रही हो, भाईजान ने कुछ कह दिया? रुखसाना पूछ मत, ना तो हमारे घर जाती और ना ये आफत आती। क्या हुआ बाजी? मेरे आदमी ने मुझे बहुत मारा, बोला तूने शेख चिल्ली को घर में रोटी बैठा के क्यों नहीं खिलाई, और अब तेरा शेख चिल्ली मेरे पीछे लाठी लेके भागा रहा है। नो 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 नो। कैसे परेशान से हो रहे हो और लट भी ले रहे हो? बस लट लेकर जमीला भाभी के पीछे गया था, पता नहीं कहाँ पूर हो गई। भाई मेरी घरवाली के पीछे क्यों गया तू, तेरा दिमाग तो ठीक है? भाई यार नाराज मत हो, मैं तो कुछ सलाह लेने के लिए जा रहा था, मगर वो मुझे देख कर डटर के भाग गई। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं उसको। शेख भाई उसकी थोड़ी पिटाई हो गई है मेरे हाथों से, कहाँ है वो, मैं उसे ही तो ढूंढ रहा हूँ। भाई ये बात है भाई जान, मैं तो घर चलूँ क्योंकि रुखसाना पिट गई, कभी वो भी घर से निकलना फूल हो जा गई। शेख जी मुझे लग रहा कभी जमीला भी रुखसाना के पास गई हो। अगर लग रहा
तो चल घर चले, लड़ाई देखा था वहाँ। हाँ चलो, चलो। बोल दी थी कि रोटी घर से लाए थे, और रही सेठ जी की, मैं सेठ जी का क्या करूँ, मुझे कुछ सलाह दो बाजी। सलाह दे दो बाजी दे दो, मैं तो तुम्हारे घर सलाई लेने गई थी, पर सेठ जी मेरा पीछा भी छोड़े तो ना, सेठ जी से डरने की जरूरत नहीं है बाजी। सलाह तो मैं दे दूंगी, ताकि कुछ दिन के लिए तेरा पीछा छूटे। इधर आ। समझी? ठीक है बाजी। बात आई समझ में? आई या ना आई, तेरा फार्मूला सही रहेगा ना? ये तुम्हारा फार्मूला सही रहेगा, मुझे भी कुछ दिन सेठ जी से छुटकारा मिल जाएगा। यही है भाई मेरे पास तो एक तरकीब। बाजी मगर सामान कैसे ले जाऊंगी? अरे वो है ना हमारा पड़ोसी रंगीला, वो किराए पे ठेली चलाता है, उस पे ले जाइयो। ये ठीक है बाजी, देखती हूँ तुम्हारी तरकीब पे चल के। आने दो सेठ जी को, मैं डरने वाली नहीं हूँ अगर तुम मेरे साथ हो तो। रुखसाना बाजी खोल दे दरवाजा। बाजी मुझे बचा लो बाजी, बाजी सेठ जी आ गए बाजी। रुखसाना तू डरा मत, तू अंदर जा, मैं गेट खोलती हूँ। खोल दे। खोल दे। रुखसाना भाभी दरवाजा खोलो। भाभी साथ में। रुखसाना, अरे रुखसाना, हाय, अरे रुखसाना, बारा। क्या हुआ बाजी? गेट खोल दो। रुखसाना, मेरा आदमी भी आ गया, तू गेट खोल। ठीक है बाजी, तुम छुप जाओ, मैं खोलती हूँ। खोल दे, वरना भाईजान को लेकर वापिस चला जाऊंगा। बा मुझे ये क्या जानती देगा? चार आदमी में बोलेगा, यही किसी एक के लिए तू भी बोलता। तेरी घरवाली ने तेरे लिए दरवाजा नहीं खोला भाईजान। देख भाई, मैं तो बोलूंगा ना, मुझे तो हकीकत का पता। नो 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 नो। भाईजान आ? हाँ भाभी जान। आई अंदर आ। चल चल चल। आओ। आ गए आओ। एक बात सुन ले, आने से पहले मेहमान को पानी पिलाना चाहिए। भाईजान को पानी पिला। अभी लाती हूँ। आ। देखा शेख जी, पूरा रोब झाड़ो तुम तो। भाईजान पानी लाओ। बाबा शेख जी तुम कहाँ चले गए थे? मैं जाता कहाँ, मैं था जमीला भाभी का सलाह लेने गया था, जो तू कह रही थी सलाह लेने को। फिर कुछ सलाह हुई? मैं होती क्या, मुझे रास्ते मिली, मुझे देख तो ही भगलिक नहीं, मैं तो पीछा भी करा, मगर पता नहीं कहाँ भूर हो गई। क्यों भाईजान? हाँ भाईजान, वो तो यूं ही गायब हो जा, उसका पता ही नहीं लगता कब लापता हो जा। अच्छा भाईजान एक बात बताओ, तुम बाजी से नाराज हो क्या? भाभी मैं क्यों उनसे नाराज होता, मैं तो उन्हें देखने आया था, वो मुझे मिली नहीं, शेख भाई मुझे मिल गए, मैं इनके साथ आ गया। बाजी बाहर आ जाओ, सब कुछ नॉर्मल है। आ जाओ। वहाँ तो भाई एक बात बता लियो, भाभी तुम मेरे से डर क्यों रही थी? शेख जी आपके हाथ में इतना मोटा डंडा देख के मुझे डर लग गया कि मेरी आफत ही ना आ जाए। ए भाभी, मैं तो तुम्हारे पास सलाह लिए जा रहा था, मगर तुम मेरे हाथ ही नहीं आई, ऐसे भाग रही थी, घोड़ी भाग रही। सलाह? सलाह तो मैंने दे दी रुखसाना को। ठीक है, मुझे दी क्या रुखसाना दी, बात तो एक ही है। जो मैंने सलाह दी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बोलूं क्या? अरे क्या सलाह हुई तुम्हारी, हमें भी तो बताओ कुछ, हमें भी तो पता चले। भाई जान क्या सलाह, जो इन्होंने कहा वो ठीक है। चलो जो भी हुआ ठीक है, जब सब खुश हैं तो हम भी खुश हैं। बाजी जब हम सब खुश हैं तो कोई खेल खेलते हैं। ठीक है, जब सब खुश हैं तो खेलो खेल। कैसा खेल है हमें भी तो पता चले, क्यों शेख जी? हाँ भाई ये तो सही कह रहे, पता तो हमें भी चलना चाहिए खेल का, जब भी तो खेलेंगे। हाँ बताना कुछ नहीं, जो हम बचपन में खेलते थे वही खेलेंगे, आंख मिचोली, आंखों पे पट्टी बांध के। हाँ ठीक है फिर, चलो खेलो आंख मिचोली। क्यों भाईजान? हाँ भाईजान ठीक है, पर एक बात तो बताओ, जो जीतेगा उसे क्या मिलेगा? उसे तो ये बतलाएंगे भाई।
उसे 1 किलो मिठाई और 1 किलो दूध मिलेगा। ओवे, ये ठीक है तो? जिसकी आंखों पर पट्टी बंधेगी वो जब तक किसी को नहीं छुएगा आंख नहीं खोलेगा, और जिसके आंख पे पट्टी बंधेगी ना वो आंगन में ही रहेगा। हम सब छुप जाएंगे और जब आवाज देंगे, जब छुएगा। ठीक है, हमें मंजूर है। तो भाईजान। हाँ भाईजान, मैं बगैर कहे बाहर ना आऊं। सुनो जी, कान इधर लाओ। हाँ सुनाओ। अच्छा ये बात है। अबे क्या बोलिए भाभी, हमें भी तो बताओ। बात ये है, सबसे पहले तुम्हारे पट्टी बंधेगी शेख जी। ठीक है तो भाई ऐसा करो, पहले मेरे पट्टी बांध दो। तो ठीक है, तो मैं पट्टी लेके आई। ठीक है, लिया पट्टी। बेटे की जान, आगे चल लेंगे। डंडे तो रख दो अभी। ले डंडे रख दिए। अब तो बिल्कुल नहीं दिख रहा मुझे। ये कितने हैं? ये कितने? पता नहीं भाई। नहीं पता? ठीक है, बढ़ा दे बढ़ा दे बढ़ा दे आगे को। भाई सब छुप गए। हाँ छुप गए। भाई बताओ छुपे नहीं छुपे? छुप गए शेख जी। अगर तुम सब छुप चुके हो तो मैं अपने जादू से बताता हूँ चोर पकड़ के। दरवाजे के पीछे खड़ी है रुखसाना, दरवाजे के पीछे। तेरा सूट चमक रहा है मेरी आंखों को, बाहर निकल आओ, दरवाजे के पीछे है। बाजी आ जाओ, मैं पकड़ी गई, मैं चोर बन गई। ओ बेटे मैं जीत गया। खोल दे जल्दी, खोल दे। हाँ जान खोल दे। आ गए। ओए बेटे, रुखसाना को बांधो, रुखसाना बांधो पट्टी अब। लाओ भी रुखसाना की पट्टी बांध दो। कैडी बांधी? ओए एक बार सुन ले, मेरी तरह चीटिंग मत करियो। क्या भाई, सब अलग अलग छिपेंगे। भाभी भाईजान, मैं तो 2 घंटे भी नहीं बोलने वाला बेटा। अगर तुम बोलोगे तुम फंसोगे, मैं तो चुप। छुपता हूँ। रुखसाना अंदर है तो सामान उठा के निकल। बाजी तुमने बिल्कुल सही सलाह बताई मरंतो शेख जी को, मैं तो कुछ दिन अपने अब्बू के आराम से रहूंगी। चलो तो सामान उठवा दो। चल 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 चलो भाई। पंजर पंजा ढीले हो गए, इसे जल्दी ले चलो। भाई जान जल्दी ले चलो। चलो चलो ठेला आया चलो। उठाओ ना, उठाओ। अजी जोर लगाओ। तू
तू अपने घर चली जा, अपने आप सुधर जाएगा। तुम ऐसा करो, गेट बंद कर दो। ठीक है, मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। भाईजान, अब साला बाहर भी नहीं आने का। भाईजान, तुम ये सामान रखवा दो पहले, बातें करो ना बाद में। भाईजान, गेट तो खोल दो, शेख जी अंदर रोएंगे अकेले। अब भी लाड दिखा रही है? लाड की बात नहीं है बाजी, वो तो शेख जी की सुधरने की बात है। मैं तुम्हें शेख जी को जरा सी भी तकलीफ नहीं देना चाहती। चलो उठाओ। चलो चलो चलो। उठाओ ना, उठाओ। रुक्सा ना भाभी, यहाँ बैठो, इधर आ जाओ। हाँ ठीक है ठीक है। चलो चलो भाईजान। बहुत वजन है, ये तो खिंचाए भी नहीं खिंच रहा। क्या ले रीस में ये? आ गए। उतारो जी, इसमें तुमने 2 किलो वजन बताया और 60-70 किलो वजन से भी ज्यादा वजन है इसमें। भाईजान, मैंने नहीं बतलाया, वो तो जमीला बाजी ने बतलाया था। पैसे ज्यादा लूंगा। पैसे जमीला बाजी से ले लेना, वो ही दे देंगी। ठीक है, उतारो जी, मैं उन्हीं से ले लूंगा। इमरान भाई, बाहर आना, आप रिक्शा घुमा लो। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। बस 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 बस, ये उतरवा लो भाईजान। जी बाजी। अरे बाजी, क्या भर रहा है इसमें इतना? इतने दिन के लिए आया हूँ। भाईजान, इसका सारा सामान निकाल लो। सारा सामान लेके आएगी बाजी? अब तो यही रहेगी क्या? शेख जी कहाँ है? नाम मत लेना, कुछ दिन चैन की सांस लेने आई हूँ। क्यों, क्या हुआ? ना खाने के ना पीने के, जिधर जाऊँ पीछे 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 पीछे। बाजी, आपसे दूल्हा भाई बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ हाँ, तुम भी तो बहुत करो हो। और अम्मी कहाँ गई है? आ जाएंगी, बैठ तू पानी पी। खोलो इसका सारा सामान और एक कमरे में रख दो। ऐसे ही ना रख दूं? भाईजान, खोल के आधा सामान निकाल लो, बहुत भारी है। भारी तो है। हाँ, भारी है साले, मुझे भारी बतला रहा, अपने बहनों की भारी बतला रहा, अपने बहनों का वजन तोल रहा साले कसाई बन रहा। अरे इसमें क्या बाजी? रुक्साना धाय धप्पा। शेख जी, तुम अब पट्टी बनवानी पड़ेगी। शेख जी, तुम इसमें कैसे? इसमें कैसे? चौंक गई ना देख के? इधर भाभी की सलाह काम आ गई, वरना तू मुझे छोड़ी आती। क्या, जमीला बाजी ने तुम्हें भी सलाह दी थी? हाँ, मुझे भी सलाह दी थी। वो कह रही थी कि प्यार कभी जुदा नहीं होना चाहिए, साथ साथ रहना चाहिए बेटे की जान। अच्छा, हाँ। तो अब हम फिर मिलेंगे। भाईजान, एनडीजे कंपनी वालों की फिल्म है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। क्यों रुक्साना? हाँ शेख जी, और जितना हो सके शेयर करें।